Hi friend, this is also you watching Education Planet Right Channel on YouTube. Second law of motion हम discuss करेंगे कि उसके मुताबिक जो इसकी definition है वो इस तरह है कि जब force applied होती है किसी भी जिस्म पे तो जो force हम लगाते हैं वो acceleration पैदा कर देती है। अब जो acceleration पैदा किया है वो directly proportional होगा जो हमने force लगाई है और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के जिस पे हमने फोर्स लगाई है। देखें कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सलरेशन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर एग्जांपल आपको दें, ये हमारे पास गेंद है, हमने इस पे फोर्स लगा दी है। अब गेंद जो है इस पे जब फोर्स लगी है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स की सीमित में। फोर्स आगे को लगाई थी तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। हर ऑब्जेक्ट का मास होता है, जहाँ गेंद का भी मास है। तो हमने गेंद पे जब फोर्स लगाई है तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। एक्सेलरेशन पैदा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है फोर्स की सीमित में एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास की सीमित में हुआ पैदा। ठीक है, कहा जाए तो हमने कहा है कि एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के। अब ये कॉन्स्टेंट तो चला जाएगा, फोर्स को एफ से ज़ाहिर किया जाता है और एक्सलरेशन को ए से और मास को एम से। कंबाइनली सबको अगर मिलाया जाए तो ये बनता है फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सलरेशन। ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके मुताबिक जब हम किसी जिस्म पे फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे एक्सलरेशन पैदा हो जाता है। अब जो एक्सलरेशन जो पैदा हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की सीमित में और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।